हेलो गाइज, मेरा नाम विभू। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे न्यू रॉयल एनफील्ड हंटर के बारे में, और ये यहाँ पर इसका टॉप एंड वेरिएंट मेट्रो रेबल है। प्राइजिंग की बात कर लेते हैं तो इसका एक्स शोरूम प्राइस है 1,68,900। एक्स शोरूम गाजीबाद के अंदर ऑन रोड मिलती है 1,93,000 की। तो आज मैंने आपको प्राइजिंग स्टार्टिंग में ही बता दी है वीडियो की, क्योंकि काफ़ी सारे लोग वीडियो पूरी देखते नहीं हैं, फिर नीचे कमेंट करके पूछते हैं कि प्राइजिंग कितने हैं। तो अब करते हैं वीडियो को शुरू और करते हैं बात इसके सभी फीचर्स के बारे में, स्पेसिफिकेशन के बारे में। फ्रंट से यहाँ पर इस बुलेट की लुक्स यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस तरीके की देखने के लिए मिलती है और काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव लुक लगती है फ्रंट की तरफ से देखने पर। हंटर 350 की यहाँ पर नंबर प्लेट लगाई गई है और यहाँ पर जो मैट ब्लैक का यूज़ है वो काफ़ी ज़्यादा करा गया है। फ्रंट हेडलाइट यहाँ पर हेलोजन दी गई है, वहीं पर इंडिकेटर भी हेलोजन दिए गए हैं। और जो इनका जो कलर है वो आपको क्रोम के अंदर नहीं, मैट ब्लैक के अंदर मिलता है देखने के लिए, और ये यहाँ पर प्लास्टिक के है। और इस बाइक का जो वेट है वो 181 kg देखने के लिए मिलता है, लगभग 17-18 kg कम मिलता है रॉयल एनफील्ड क्लासिक से। फ्रंट सस्पेंशन यहाँ पर टेलीस्कोपिक दिए गए हैं 41mm के। फ्रंट में यहाँ पर डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं जो कि आपको ड्यूअल चैनल ABS के साथ मिलते हैं, और 300mm का फ्रंट डिस्क का साइज़ है। ट्यूबलेस टायर मिलते हैं जो कि रेडियल नहीं है। फ्रंट टायर के साइज़ की बात करें तो 110, 70, 8, 17 का यहाँ पर टायर मिलता है। फ्रंट में यहाँ पर इस टॉप एंड वेरिएंट के अंदर अलॉय व्हील्स दिए गए हैं दोनों ही टायर्स के अंदर। टायर प्रोफाइल दोनों की 17 इंचेस है। और जो फ्रंट सस्पेंशन है वो टेलीस्कोपिक मिलते हैं 41mm के। और यहाँ पर साइड प्रोफाइल से इस बाइक की लुक देख सकते हैं। लेंथ है 2055mm की, वेथ है 800mm की, हाइट है 1055mm की। जो इसकी सिटिंग हाइट दी गई है वो 800mm की मिलती है, जिसकी हाइट कम है वो भी इसे इजीली राइड कर सकता है। यहाँ पर कुछ इस तरीके का यहाँ पर इसका एनालॉग मीटर देखने के लिए मिलता है, जिसके अंदर यहाँ पर बाइक के अंदर USB पोर्ट वगैरह, स्पीडोमीटर जो है एनालॉग मिलता है, स्टैंड अलार्म मिलता है, बैटरी आपको 12V की मिलती है यहाँ पर। और यहाँ पर इसके जो मिरर्स है वो देख सकते हैं राउंड शेप के अंदर मिलते हैं मैट ब्लैक के अंदर। और जो इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन देखेंगे वो भी आपको कुछ उस तरीके का मिलता है जैसे कि मिट्योर वगैरह में मिलता है। तो जो स्विचेस की क्वालिटी है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, ग्रिप वगैरह काफ़ी अच्छी दी गई है इसके अंदर। और ये इसका ब्लू एंड वाइट कलर का जो टैंक है ये सिर्फ आपको टॉप वेरिएंट के अंदर मिलता है, जो कि है आपका मेट्रो रेबल। और यहाँ पर टैंक के ऊपर रॉयल की बैजिंग मिल जाती है, छोटे साइज में आपको रॉयल इनफील्ड की भी मिल जाती है। और इंजन देख सकते हैं मैट ब्लैक के अंदर मिलता है। इस बुलेट के अंदर आपको 350cc का इंजन मिलता है, 20.2 BHP की पावर प्रोड्यूस करता है 27 के टॉर्क के साथ। साइड में रॉयल इनफील्ड हंटर 350 की बैजिंग मिल जाती है, कुछ इस तरीके का यहाँ पर काफ़ी छोटे साइज का एग्जॉस्ट दिया गया है। फुटरेस्ट पे यहाँ पर देख सकते हैं रॉयल इनफील्ड की बैजिंग मिल जाती है, तो काफ़ी प्रीमियम फुटरेस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। एग्जॉस्ट की साउंड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। रियर में यहाँ पर डिस्क ब्रेक्स देख सकते हैं आपको ABS के साथ मिलते हैं। डिस्क ब्रेक का साइज है 270mm का रियर डिस्क ब्रेक यहाँ पर मिलता है। टायर प्रोफाइल की बात करें तो 140/70 R17 का यहाँ पर टायर देखने के मिलता है, ट्यूबलेस। यहाँ पर अलॉय व्हील्स की लुक्स देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया डिज़ाइन के अंदर दिए गए हैं। रियर से यहाँ पर उस बुलेट की लुक्स देख सकते हैं, कुछ इस तरीके की देखने के लिए मिलती है। तो कहीं ना कहीं मिट्योर जैसी आपको टेल लाइट देखने के लिए मिलती है जो कि LED है, और इंडिकेटर जो है वो आपके यहाँ पर हेलोजन है जो कि आपको ऑरेंज कलर के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। तो बैक से काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव लुक इसकी देखने पर लगती है, काफ़ी ज़्यादा शार्प लुक भी देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पर इसके ग्रैब हैंडल देख सकते हैं, कुछ इस तरीके के मिलते हैं। लुक्स यहाँ पर काफ़ी बढ़िया रखे गए हैं, लुक्स में कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं है कहीं से कहीं तक भी। तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है देखने पर ये, क्योंकि जो इससे पहले हम देखते थे नॉर्मल बुलेट आती थी, पर ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हंटर बनाई गई है रॉयल एनफील्ड के द्वारा। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से देख सकते हैं यहाँ पर आपको जाल वगैरह भी मिल जाता है, जैसे इससे आप प्लेयर को जो है कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होए बैठने में। और रियर सस्पेंशन देख सकते हैं, ट्विन ट्यूब एवोल्यूशन सस्पेंशन मिलते हैं रियर के अंदर इसके। रियर सीट देख सकते हैं, यहाँ पर दो लोग ईजिली बैठ सकते हैं। और इंजन की फिनिशिंग यहाँ पर देख सकते हैं, ये न्यू वाला इंजन है जो रॉयल एनफील्ड क्लासिक में भी मिलता है। अब आपको स्टैंडर्ड के अंदर आपको अभी भी ओल्ड वाला इंजन मिलता है, पर ये वाला इंजन काफ़ी ज़्यादा शानदार है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी साउंड है इसकी। और यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म मिलता है वो सेम वही मिलता है जो क्लासिक 350 और मिट्योर में मिलता है, जो कि आता है डबल डाउन ट्यूब फ्रेम के साथ। और यहाँ पर आपको कंपनी देती है 3 ईयर्स की वारंटी 30 किलोमीटर्स के साथ। आई होप मैंने आपको सभी डिटेल्स यहाँ पर बता दी है, कोई रह गई हो तो आप कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। तो यही था एक फुल डिटेल वॉकराउंड रिव्यू रॉयल एनफील्ड हंटर के मेट्रो रेबल टॉप वेरिएंट का। नेक्स्ट वीडियो इसके बेस वेरिएंट पे आएगी जो कि रेट्रो फैक्ट्री है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।